नई शुरुआत करने के लिए सोच भी नहीं करनी पड़ती है। मैं हूँ स्वरा भास्कर और वुमेन्स डे पर मैं लेकर आई हूँ आपके पास कुछ ऐसी कहानियाँ जिनमें है एक नई सोच। फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें नई सोच पापा की है और उनकी नई सोच ने उनकी बेटी को हिम्मत दी कि वो जिंदगी में हर सिचुएशन पार करके आगे निकल जाए। आज की कहानी है सुमन की। सुमन कहती हैं, मैं एक छोटे से गांव में बड़ी हुई। 12वीं के बाद हमारे स्कूल की लड़कियों की पढ़ाई पे फुल स्टॉप लग जाता था क्योंकि कॉलेज दूसरे गांव में था। बस जाती थी लेकिन गांव के लड़कों ने बस में ऐसा माहौल बना रखा था कि खुद लड़कियों को भी पढ़ाई छोड़ के शादी करना ज़्यादा आसान लगता था। लेकिन मैं तो एडमिशन ले चुकी थी, अब क्या किया जाए। पापा के पास टाइम नहीं था और दिन में दो बार लाना ले जाना कोई आसान काम नहीं होता। एक महीना बस में आते जाते मैंने भी कॉरेस्पॉन्डेंस का पता करने का मन बना लिया। फिर एक दिन मैं सो के उठी और ऐसे लगा कि सपना देख रही हूँ। मेरे घर के आंगन में पिंक कलर की स्कूटी खड़ी थी। पापा मुझे देखते हुए बोले, देख क्या रही है, कल से सीखना है तूने। जिस गांव में लड़कियां स्कूटर मोटरसाइकिल पे दोनों टांगे एक तरफ करके बैठती हैं वहां मैं स्कूटी चलाऊंगी, पूरा गांव मुझे ही देखेगा। अगली सुबह हम गांव के मैदान में थे। जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई आज उसको स्कूटी पकड़ा दी गई थी। मैं स्कूटी संभाल नहीं पा रही थी, दरअसल मैं संभालना ही नहीं चाहती थी और स्कूटी चलाना मैदान में तो सीख लूंगी लेकिन चलानी तो गलियों में ही पड़ेगी ना, पूरा गांव आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा और लड़के कमेंट्स करेंगे वो अलग, कौन पड़े इस झमेले में। पापा ने मेरी बेदिली शायद पढ़ ली, उन्होंने उस दिन पहली बार मुझे डांट लगाई, देख सुमन तू ये स्कूटी चलाएगी लड़कों को ही अच्छा नहीं लगेगा, वो ताने मारेंगे, लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी बातें बनाएंगे, हो सकता है तेरे कॉलेज की लड़कियों को भी अच्छा नहीं लगे। पर ये याद रखियो कि जब तू शाम को स्कूटी चला के कॉलेज से घर वापस आएगी तेरे पापा को बहुत अच्छा लगेगा। पापा की बात समझ आने के बाद स्कूटी चलाना आ गया, स्कूटी चलाते हुए लोगों के तानों को अनसुना करना आ गया। और तुम सही हो तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, इस नई सोच के साथ जीना आ गया।